गुड मॉर्निंग गाइज, और फाइनली सुबह हो गई है। तो अभी मैं अच्छे से रेडी वेडी हो गई हूँ, और सबसे ज़्यादा ये बात है कि मैंने आप लोगों को अपना रूम नहीं दिखाया था, जो कि शायद सस्पेंस में छूट गया था कल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ये इधर विंडो है, देख सकते हो, ये बहुत बड़ी विंडो है, और इसके बाजू में ऐसी नॉर्मल है, बट ये विंडो है मेरे रूम में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मुझे स्पेशली विंडो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैंने आप लोगों को अपना रूम नहीं दिखाया था, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना रूम दिखा देती हूँ। तो गाइस, इधर है बेड, और ये यहाँ पे बेड है, और यहाँ पे है बाजू में साइड टेबल, एंड दिस इज फ्रिज, फ्रिज है, और यहाँ पे साइड टेबल है जिसमें केटी वेटी हम लोगों को लाइक चाय वाय बनाने के लिए समथिंग सारी चीज़ें दी हैं। तो इधर है सोफ़ा, वहाँ पर रखा हुआ है मेरा बैग, जो मैंने बैग रखा हुआ है, और वो पूरा सोफ़ा है, और ये टेबल है जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके ऐसे ही किया था। सबसे अच्छा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे कर्टेंस है, एंड दिस वन इज दैट, तो यहाँ पे मिरर है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहीं पे मैं रेडी हुई हूँ प्रॉपरली। देखो मेरा सामान वामान सब बिखरा हुआ है इधर पे, और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे क्यों ना मैं फ़ोटोशूट्स करा लूँ, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो इसलिए मैं अभी तैयार व्यार हो गई हूँ। सो अब मैं तैयार हो गई हूँ, जल्दी मैं फ़ोटोशूट करूँगी, तो चलते हैं। अभी हम वापस से अपनी राइड पे निकल गए हैं, और हमारा जो सफारी वाला प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसके लिए प्री बुकिंग करानी पड़ती है। सो हम लोगों ने प्री बुकिंग नहीं कराई थी, जिसकी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया है। अभी हम हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम आसपास के कुछ एरिया है, जैसे रिवर है कोई कोई, वहाँ पे जाने का प्लान करके रखे हैं। तो अभी हम इसके लिए निकल गए हैं। सफारी तो लगभग कैंसिल ही लग रहा है, देखते हैं, होप सो आज रात को ही ट्राई करते हैं, कल अगर हो जाता है तो, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं तो सफारी देखना तो बिल्कुल बनता ही है। तो ट्राई करते हैं आज अगर हो जाता है तो, और अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो पहले हम लोग कुछ खाएंगे, देन उसके बाद हम रिवर देखने जाएंगे, जो कि पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी चलते हैं। हाय, पानी पीने आए, पानी पी रहे कि हम लोग यहाँ पे एक लोकेशन पे आए हैं, और इस लोकेशन पे देख सकते हो कमल के फूल खिले हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कमल के फूल का पूरा बागवान है, देख सकते हो इतने सारे सफ़ेद कलर के, पिंक कलर के, हर कलर के कमल के फूल खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। इसलिए अभी हम यहाँ आए हैं जहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल खिले हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हाँ, गूगल मैप भी हमको यहाँ पे धोखा दे रहा है, तो लाइक हमको लोकेशन के लिए बहुत इश्यू हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को भूख लग रही है, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं रिवर वाली जगह पे, बट इस जगह में ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लेस है ये ट्रैकिंग वाली प्लेस है, तो यहाँ पे हमको विदाउट कार ही जाना पड़ेगा। सो अब ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया कि हम बिना कार के जाएंगे, अब मतलब हमको ट्रैक करना है, लाइक पैदल ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे कार वार कुछ भी नहीं जाती है। सो फाइनली अब शुरू होता है मेहनत वाला काम। सुबह से जितना आराम करना था कर चुके हैं, अब करेंगे थोड़ी सी मेहनत। तो चलो मैं आपको फटाफट लोकेशंस दिखाती हूँ, और अभी ट्रैक करने वाली हूँ तो बहुत सारी बातें करूँगी, क्योंकि ट्रैकिंग के वक्त बोर होती रहूँगी। तो मेरे पास तो सीधा सा एक ही सवाल है कि मैं अपनी पब्लिक, अपने लोगों से बात करने वाली हूँ, और अपनी जर्नी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ, और क्या क्या, अगर आप कभी आएंगे घूमने के लिए तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और किससे किससे मैं आपको बचा सकती हूँ। आज मैं आप लोगों को एकदम अमेजिंग वाला फूल दिखाने वाली हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सा फूल है। तो चलो बिना लेट किए जल्दी दिखाती हूँ। तो गाइस,
ये वाला फूल है, इसको जंगली फूल बोलते हैं। तो मैं इसको तोड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए गई थी अंदर तक, वहाँ से तोड़ के लेकर आई हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इस फूल को क्या बोलते हैं। पता तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी फोटोज भी आ रही थी, तो मैंने इस फूल के पास फोटोज भी खिंचाई है और ये फूल भी ले लिया। इतना ज़्यादा जंगल घूमे कि अब हम लोग थक गए हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना वाना खाती हूँ, भूख लग रही है। बट अभी भी मेरा फोटो सेशन बचा हुआ है, अभी मैंने अच्छे से फोटो क्लिक कराई है और रील्स भी नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं बनाऊंगी। यहाँ आपको मिल गए बंदर महाराज जी, कैसे थका? और उनके पीछे भी कुछ वानर सेना है जो कि प्रॉपर चेक कर रही है कि सब लोग सही सलामत है कि नहीं है। भाई अब जंगल इनका है तो इनको देखना तो बनता ही है। वहाँ पे भी कुछ है, एक दो बहुत सारे बंदर हमको। तो गाइस अभी हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं और कल हम जहाँ पे खाना खाए थे वहीं पर आज खाए हैं, क्योंकि कल का खाना हम लोग को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि हमने सोचा आज भी यहीं खाते हैं। और वैसे भी जहाँ का टेस्ट अच्छा होता है, लाइक बाहर जाओ जहाँ का टेस्ट अच्छा रहता है वहीं का खाना खाना चाहिए। सो आज हम लोग बहुत कुछ मंगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी थाली है गाइस, जिसमें मैंने रायता, दाल, तड़का, गोभी, मिर्ची और रोटी में खा रही हूँ। ये हमने कोफ्ते भी ऑर्डर किए हैं, ये हमारा रायता है, ये दाल फ्राई, ये गोभी मटर और ये हमारा सैलेड। तो फाइनली फटाफट फिनिश करती हूँ मैं। हम लोग रात को फोटोशूट कर रहे थे और इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा रेडी हो गई हूँ। और फोटोशूट करने के बाद अभी हम खाने के लिए आए हैं। तो ये जहाँ पर हम रुके हैं कुसुम रिसोर्ट, वहाँ का रेस्टोरेंट है। देखो वहाँ पे वो वाली फैमिली है ना, उनकी बेटी का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छी लाइटिंग मिल गई थी फोटोशूट्स के लिए, तो हमने फोटोशूट्स किया। और ये पूरा रेस्टोरेंट है। तो अभी आज का जो खाना है हम यहीं खाने वाले हैं, क्योंकि बाकी दो दिन से हम बाहर खा रहे थे तो हमने सोचा आज का खाना हम यहीं खाते। और ये यहाँ पर है पीछे साइड रिसेप्शन, तो अभी प्रॉपरली ऑर्डर कर दिया है हर चीज़। और यहाँ पर सोफा वोफा भी है जो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन यहाँ यह वाला स्पेस तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्वागत हुआ था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, तो ऑर्डर हमने डायरेक्ट रूम में किया है और यहाँ पर भी बहुत अच्छी परफेक्ट लाइटिंग है जो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हम चलते हैं रूम, क्योंकि हमारा ऑर्डर हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ।